हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, डी ट्रिपल्स बी टी जी टी नेचुरल साइंस के लिए हम पैडागॉजी कवर कर रहे हैं, और आज हमें ना वेरियस टीचिंग मेथड्स, किस किस ने उन मेथड्स को डिस्कवर किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो टीचिंग मेथड्स है, पढ़ाने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि ये टीचिंग मेथड किस पर्टिकुलर इंसान ने दिया था। तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो हमारा सुकरात ने दिया है, हमारा जो रोल प्ले मेथड है उसे दिया है जेसी मोरेनो ने, हमारा जो सोशियोमीट्री मेथड है उसे दिया है जेकोब एल मोरिनो ने। तो देखो, इन दोनों में ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? एक है जेसी मोरिनो और एक है जेकोब एल मोरिनो। उसके बाद जो हमारा माइक्रो टीचिंग, आपको पता है जब हम बीएड का कोर्स करते हैं वहाँ पर हमें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, तो उसको किसने दिया था? डी डब्ल्यू एलन ने दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिया है ए एफ ऑसबर्न ने, ठीक है? तो ये सारे मेथड्स आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम लर्निंग मेथड, जिसको दिया था बी एफ स्किनर ने, ठीक है? आपको पता है बी एफ स्किनर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी भी दी है। उसके बाद आता है हमारा फाइव स्टेप लेसन प्लान। आपको पता है जब हम बीएड कर रहे होते हैं तो हमें लेसन प्लान बनाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? तो लेसन प्लान किसने दिया था? फाइव स्टेप वाला हर्बर्ट ने, ठीक है? उसके बाद होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हमें किसने दिया है? नॉर्मन ए काउटर ने। उसके बाद हमारा बिनेटिका मेथड जो है उसको दिया है कार्ल्टन वॉशबर्न ने। बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया है, ठीक है? इमिटेशन मेथड, इमिटेशन का मतलब होता है जब आप कोई इंसान एक हरकत कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके, उसको इमिटेट करके, उसकी नकल उतार के अगर बच्चा सीख रहा है, इसका क्रेडिट जाता है एल्बर्ट बंड्यूरा को, ठीक है? एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या किया था? बोबो डॉल ली थी। बोबो डॉल वो वाली डॉल होती है जिसमें आपने मुक्का मारा वो पीछे जाएगी और दोबारा से वापस आ जाती है। तो उसने, है ना, एक बच्चों को, है ना, बहुत ही मारधाड़ वाली मूवी दिखाई और उसके बाद उन्हें बोबो डॉल दे दी। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चों ने देखा ना मूवी में मारधाड़ हो रही थी, उन्होंने उस बोबो डॉल के साथ वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे किससे सीखते हैं? इमिटेशन मेथड से सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्ले वे मेथड। आपको पता है छोटे बच्चों को हम कहाँ पर एडमिट करते हैं? प्ले वे स्कूल्स में एडमिट करते हैं, और ये दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। फ्रेडरिक फ्रोबेल एक नेचुरलिस्ट थे, यानी कि वो मानते थे कि नेचर जो है वो सबसे अच्छा तरीका है किसी को भी सिखाने का। उन्होंने जर्मनी में स्कूल खोले थे सबसे पहले, प्ले वे स्कूल, और किंडरगार्डन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उनको लगता था कि जो स्कूल होता है ना वो बच्चों का गार्डन होता है। माली का रोल प्ले कर रहा होता है वो कौन होता है? आपका टीचर होता है, ठीक है? तो गार्डन ऑफ चिल्ड्रन किसने दिया है कॉन्सेप्ट, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। प्ले वे मेथड किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। वो क्या थे? एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है? उसके बाद आता है मोंटेसरी मेथड, ठीक है? तो मोंटेसरी मेथड जो है वो मारिया मोंटेसरी ने दिया, ये भी एक नेचुरलिस्ट थी। इनका मानना था कि बच्चे नेचर के क्लोज जब रहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लर्निंग करते हैं, और वो कोलैबोरेटिव प्ले में बिलीव करते हैं। कोलैबोरेटिव प्ले का मतलब होता है जब आप लोगों के साथ मिलके खेलते हैं और खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव मेथड, ठीक है? उसके बाद आता है डाल्टन मेथड, इसको हम लैब मेथड भी कहते हैं, ये दिया है हेलेन पार्कहर्स्ट ने, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा इंडक्टिव मेथड, ठीक है? जब आप, है ना, नोन टू अननोन जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपको पहले से शायद मालूम हो, उसके बाद हम अगर उसके डीपर कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं जो आपको नहीं मालूम, तो नोन टू अननोन जाते हैं हम। इसमें हाइपोथेसिस पढ़ाया जाता है पहले, फिर रूल बताया जाता है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं इसमें। पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड रूल क्या है ये बताया जाता है, ठीक है? ऐसा किस में किया जाता है? हमारे इंडक्टिव मेथड में किया जाता है, जो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, ठीक है? उसके बाद हमारा डिडक्टिव मेथड आता है, जो किसने दिया है? अरस्तु ने ही दिया है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम उल्टा करते हैं, पहले हम इसमें रूल बताते हैं और फिर एग्जांपल पे जाते हैं। तो आपको, है ना, पता होना चाहिए कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों मेथड हमारे किसने दिए? अरस्तु ने दिए हैं, ठीक है? और उसके अलावा एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम इंडक्टिव मेथड में, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं हम डिडक्टिव मेथड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। उसके बाद आता है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड हमारा दिया है एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग ने। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, प्रॉब्लम पोजिंग वे। इसमें, ना, बच्चों को प्रॉब्लम्स दी जाती है, उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं, हाइपोथेसिस दिया जाता है जिससे, ना, वो प्रेजेंटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। तो देखो, साइंस को पढ़ाने का, ना, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोजेक्ट्स के थ्रू। हमें, ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो
प्रोजेक्ट्स मेथड किसने दिया था? W.H. Kilpatrick ने दिया। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है और इसमें क्या होता है, बच्चा टीम वर्क करना सीख जाता है, ग्रुप वर्क करना सीख जाता है। कल को देखो जब आप किसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे 50 लोगों की टीम है, और अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको इंडिविजुअल रहना बहुत पसंद है, आपको लोग के साथ रहना, कोलैबोरेट करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रोजेक्ट में काम करना, प्रोजेक्ट टीम में काम करना, आपके झगड़े होते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड देते हैं बच्चों को, ताकि वो दूसरे अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों के साथ काम करना सीख जाए, कोलैबोरेशन वर्क सीख जाए। उसके बाद आता है डिस्कवरी मेथड, जिसके बारे में ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें से कुछ का हमें नहीं पता कि ये किसने दिए थे। ठीक है, तो डिस्कवरी मेथड। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपको पता है साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है, सोचो मुझे है ना आज आपको बोन्स का टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं एक स्केलेटन लेके आऊँगी और उसके थ्रू मैं आपको डिफरेंट बोन्स एंड जॉइंट्स दिखाऊंगी। अगर मेरे को सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप ग्लोब लेके आ रहे हो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ानी है तो मैं सॉइल सैम्पल्स लेके आई हूँ बहुत सारे। ठीक है, अगर मुझे आपको लीव्स के बारे में पढ़ाना है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मैं लीव लेके आई हूँ, तो ये सब कुछ क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ मैं ये सब कुछ आपको। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो साइंस एंड सोशल साइंस पढ़ाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली साइंस पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस का मतलब होता है जब आप है ना कंक्लूजन से उसके छोटे छोटे पार्ट्स तक पहुंचते हो, यानी कि आपको एक कंक्लूजन दिया गया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप टुकड़ों में उन तक पहुंच पाओगे ना, तो इसको कहते हैं एनालिसिस। सिंथेसिस इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम बहुत सारे पार्ट्स को जो अलग अलग बिखरे हुए पार्ट्स हैं उनको मिलके हम होल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब है जैसे हमने बच्चे को ना एक पजल सॉल्व करने को दिया, धीरे 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 आप देखोगे उसके डिफरेंट पीसेस को वो कंबाइन कर देगा और पूरे की पूरी पजल को सॉल्व कर देगा, तो वो क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दी गई उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। उसके बाद होता है ड्रिल मेथड। तो ड्रिल मेथड का मतलब होता है, ये मैथमेटिक्स में बहुत यूज किया जाता है। ड्रिल का मतलब है बार 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 आपसे वो चीज़ कराया जा रहा है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको बोला जा रहा है बार बार इसको रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जब तक आप परफेक्टली करना ना सीख जाओ तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ड्रिल मेथड। उसके बाद आता है डिस्कशन मेथड। तो यहाँ पे है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हमारे जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनका मतलब होता है उनका परफेक्ट आंसर। अगर मैंने पूछा है इंडिया की कैपिटल क्या है, तो उसका दिल्ली ही आंसर है। तो और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली को कैपिटल क्यों बनाया गया, उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, हर बच्चे की सोच के अकॉर्डिंग अलग आंसर हो सकता है, तो वो कैसे क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये ना आपके पेशेंस को इंक्रीज करता है, आपकी टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, इस टाइप के सवाल जो है आपकी थिंकिंग को, आपके एनालिसिस पावर को, ठीक है, इन सबको इंक्रीज करता है। उसके बाद होता है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड का मतलब होता है ट्यूशन से, एक तरीके से ट्यूटोरियल मेथड का मतलब होता है जब आप सीखते हैं, किसी से सीख रहे हैं, सोचो आपको है ना ये जानना है कि आपने देखा होगा YouTube पे है ना बहुत सारी वीडियो अवेलेबल होती है, ट्यूटोरियल सिखा रहे होते हैं वो आपको, यानी कि कोई चीज़ आपको कैसे करनी है उसको करने का अगर मेथड आपको बताया जा रहा है, आप किसी फ़ोन के फीचर्स को किस तरीके से इस्टेब्लिश करोगे ये अगर सिखाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूटोरियल मेथड बोलते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड का मतलब होता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, किसके पर्पज़ के थ्रू, किताबों के थ्रू, और आपकी किताबें है ना साइकोलॉजिकली अरेंज की जाती है, इसलिए आप देखते हो जब छोटे बच्चों की किताब को आप देखोगे ना वहाँ पे वर्ड्स इतने नहीं लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ पे पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा देख के सीखता है, उसको पिक्चर्स देख के, कलर्स देख के बहुत फैसिनेटेड फील करता है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हो तो वर्ड्स ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं और डायग्राम्स कम होते चले जाते हैं, और जैसे आप बहुत बड़ी क्लासेस में पहुँच जाते हो, आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, वहाँ पर तो पिक्चर्स सिर्फ तभी दी जाती है अगर इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज वहाँ पे मोस्टली टेक्स्ट के फॉर्म में चीज़ें लिखी रहती है, क्योंकि आप टेक्स्ट से समझ जाते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी वो भी साइकोलॉजिकली अरेंज होती है। उसके बाद आता है हमारा लेक्चर मेथड, जिसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चॉक एंड टॉक मेथड किसको कहते हैं, तो लेक्चर मेथड बहुत ही पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जाता है, टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पे क्या होता है, लेक्चर्स क्या होता है, हमारे कॉलेज में जब लेक्चर होते हैं तो प्रोफेसर आएगी, वो आके बोलना शुरू कर देंगी और उसके बाद है ना बाकी सब उसे सुन रहे होंगे। लेकिन देखो लेक्चर मेथड के कुछ फायदे भी है, जब आपको बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो लेक्चर मेथड आपकी बहुत हेल्प करता है, प्लस इसमें बहुत ही लेस रिसोर्सेज चाहिए। देखो टीचर के पास जो नॉलेज है वही काफ़ी रहती है, चौक है उसके पास, वो बात कर रही है, इन सब चीज़ों से ये ना वो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझा देगी, तो इसमें एक तो कम रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम कम लगता है, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लेक्चर मेथड जो है बहुत जल्दी आप बहुत बड़ा सिलेबस
कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड मेथड दे दूँ, अगर मैं आपको हर चीज़ प्रोजेक्ट के थ्रू दे दूँ, तो कंप्लीट ही नहीं होएगा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। ये ना सबसे पुराना तरीका है। बचपन में जब आपने सीखा होगा ना, तो आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही सीखा होगा। बचपन में आपको आपके घर वाले, जब आप स्कूल भी नहीं जाते हो ना, तभी कहानियाँ सुना लग जाते हो, और कहानियों के थ्रू आप बहुत कुछ सीखते हो। इससे क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, मॉरल डेवलपमेंट। मोस्टली जो कहानी होती है उसमें क्या होती है, कोई ना कोई मॉरल होती है, तो इसलिए आपको है ना मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज डज द स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ सपोर्टेड बाय द गाइडेंस ऑफ द टीचर। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें है ना बच्चे ने नॉलेज खुद पाई, उसने खुद फैक्ट्स को डिस्कवर किया, टीचर ने बस उसे थोड़ा सपोर्ट किया है? डिस्कशन मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड में, या फिर लेक्चर मेथड में? तो आपको पता है प्रॉब्लम पोज की जाती है ह्यूरिस्टिक मेथड में, और ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर के थोड़े से सपोर्ट के साथ आप चीज़ें खुद डिस्कवर करके सीख जाते हो, ठीक है। इसलिए इसको डिस्कवरी मेथड भी कह देते हैं कभी कभी ह्यूरिस्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड इज सोक्रेट्स एंड एक्सपोनेंट ऑफ? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सोक्रेट वाला जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया। तो लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड। तो मैंने आपको बताया कि सुकरात ने दिया है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड, और हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव किसने दिया है? अरस्तू ने दिया है। आपको पता है अरस्तू हमारे जूलॉजी के फादर भी है, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच इज बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बेस्ट है? साइंस को पढ़ाने के लिए, ग्रामर को पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए? ओनली वन एंड टू, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री? तो आपको पता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड से हम साइंस भी पढ़ा सकते हैं, ग्रामर भी पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट? इंडक्टिव मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर सेमिनार? तो आपको पता है हम ये सारे प्रिंसिपल किसके बेसिस पे ड्राइव करते हैं? हमारा जो इंडक्टिव मेथड होता है, आगमनात्मक विधि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। विच टीचिंग मेथड इज किलपैट्रिक एसोसिएटेड? तो आपसे पूछ लिया कि किलपैट्रिक ने कौन सा टीचिंग मेथड दिया है, डिस्कवरी मेथड दिया है, ह्यूरिस्टिक दिया है, प्रोजेक्ट दिया है या फिर रोल प्ले दिया है? तो आपको पता है किलपैट्रिक ने कौन सा मॉडल दिया है जो साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट्स के थ्रू साइंस में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड अज्यूम्स दैट द होल ग्रुप कैन बी हैव मोर आइडियाज देन अ पर्सन? यहाँ पे क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप बनाया जाता है और उन सबको है ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक इंसान जितने आइडिया देगा ना उससे बेटर है बहुत सारे लोग मिलकर जब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देंगे, तो बेस्ट आंसर निकाल पाएंगे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में, होम असाइनमेंट मेथड में, डिस्कवरी मेथड में या फिर प्रोजेक्ट मेथड में? तो देखो ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है सब लोग सोच रहे हैं और फिर वो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने अपने आइडियाज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड द होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ द टीचर दैट रिमूव देयर डिफिकल्टीज बाय गिविंग देम इंडिविजुअल गाइडेंस? तो आपकी क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे थे, 40 बच्चे थे, तो चार चार पाँच पाँच लोगों का एक एक ग्रुप बना दिया गया, ताकि स्मॉल सेक्शंस बना दिए गए आपके, ताकि आपके टीचर जो है आपको जो भी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है वो आपके सॉल्व हो सके। ऐसा कब किया जाता है, लेक्चर मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन में, क्वेश्चन आंसर मेथड में या फिर ट्यूटोरियल मेथड में? तो लेक्चर मेथड में तो क्या होगा, टीचर आएगी और पढ़ा के आपको चली जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, वो कुछ ना कुछ आपको मॉडल दिखा रही होगी, स्केलेटल दिखा रही है, ग्लोब दिखा रही है, सॉइल सैंपल्स दिखा रही है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड में होता है आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप जवाब दोगे, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे ट्यूटोरियल मेथड में, ठीक है। एक तरीके से ट्यूशन का एक फॉर्म होता है। ट्यूशन में भी तो क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं बच्चे ट्यूशन में इसलिए बेटर सीख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे है ना ग्रुप छोटा है, कम बच्चों को पढ़ा रही है टीचर, तो ज़्यादा बेटर फोकस दे पाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल मेथड कहते हैं। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।